This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha. Mahadevaya Namaha. Mahadevaya Namaha. ओम रोम सा रोम रोम सा नहीं रोम रोम करा सा मगा कि रोम रोम करे ना मंदिर गया था राज रोम जीरे आवड़ो पड़े दो रोम मजा बोट मोदीरा दे जो सा हैंगे ने मेहरबानी करने मोदीरा बोट दे जो सा मेहरबानी करने। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जो है शाम का समय हो रहा है और चेन्नई से जो है हम लोग वापस आ चुके हैं। तो हम गए थे चेन्नई में, काफ़ी जगह पर हम लोग घूमे हैं। ईसा फाउंडेशन भी गए थे जहाँ शिव जी का बहुत ही बड़ा जो है ये मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर था, काफ़ी मज़ा आया था, हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया था। और चेन्नई में भी बहुत जगह पर हम लोग घूमे हैं। तो अभी देखिए हम लोग वापस आ चुके हैं। वीडियो मैंने काफ़ी सारे लिए थे लेकिन सारे वीडियो जो है वो मेरे डिलीट हो चुके हैं। और घर आने के बाद बहुत सारे कपड़े हो रहे थे तो सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद सभी कपड़ों को संगवा लिया है। ठंड जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मित्तल जो है वो अभी तक सो रही है, वो सो रही है, तब तक मैं पूरा घर का काम जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी जो है घर का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और कपड़े जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे वो सारे मैंने वॉश करके अच्छे से संगवा करके अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। और अभी जो है शाम के करीब जो है 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और देखिए पूरा मैंने अच्छे से कर दिया है क्लीन। मित्तल अभी तक जो है वो सो रही हैं, अभी मैं उसको उठाने वाली हूँ क्योंकि उसको जाना है अभी ट्यूशन। तो ये देखिए मित्तल अभी सो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रेंड ठंड हो रही है और आज जो है बहुत ही तेज वाली हवा है। कल मित्तल को मैंने स्कूल नहीं भेजा था, आज मैंने उसको स्कूल भेजा है। तो देखिए अभी जो है सो रहे हैं, ब्लैंकेट मैंने उसको ओढ़ा रखा है, काफ़ी ज़्यादा जो है सर्दी का माहौल हो रहा है फ्रेंड्स। मित्तल अभी उठ जा बेटा, टाइम हो गया ट्यूशन का। हेलो फ्रेंड, तो अभी हम लोग जो है वो घर आ चुके हैं और मित्तल भी स्कूल से घर आ चुके हैं। मित्तल इधर आ बेटा, ये देखिए मित्तल भी आ चुके हैं, घर सामान लेके आ चुके हैं। और मेरे को चेन्नई में जब मिला था किंडर जॉय खाई और मित्तल को ये किंडर जॉय में मिला था गिफ्ट और इसके पीछे हाथी है। इसे कुछ भी खिलाना चाहो ना तो कुछ भी खिला, मतलब कि इसे कुछ भी खिला। दूर दूर रहता था हाथी के हवा, बता रहा बहुत जोर की हो रही है, बहुत की देख सकते हो, बहुत ही जोरदार वाली खांसी हो रही है। मित्तल को आते ही बुखार आया था, उसकी जो है उसकी अभी जो है तबीयत ठीक हो चुकी है लेकिन मेरी जो है आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा थोड़ी सी आवाज़ बैठ चुकी है और खांसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी बनाएंगे चाय और अभी आने और आपको मालूम है बाहर धूप होती है तो अभी भी तेज हवा आती है और मैंने क्या मंगाया अमेज़न से, ये देखिए। चलो तो फ्रेंड्स सर्दी बहुत ज्यादा है, अभी बनेगी चाय और अभी जो है आ रहा है बिस्तर वाला आने वाला है। पार्टी हो रही है, अब आज पार्टी हो रही है, अब आज पार्टी हो रही है। देखिए हवा बहुत ही तेज वाली, जैसे ही दरवाजा खुला है हवा बहुत जो है वो बहुत ही तेज वाली हवा है। सर्दी लग रही है, भी स्वेटर साहब आए हैं, चौधरी साहब आए हैं अभी हमारे, बहुत तेज तेज हवा क्योंकि अपना भाई मैं आप रहोगे ना सुबह के टाइम इतनी तेज सर्दी है पर मैं तो रात को पंखा सो के। हेलो गाइस, देख लो ये हमारा दीपा दीपू आओ। तो है ऐसे ही जो है वहाँ पर मुझे की मस्ती जो है वो चलती रहती है, चालू रहती है सुबह से शाम तक, इसी तरह से मस्ती करते रहते हैं। पापा एक मिनट बेटा,
देखो मेरे पापा कितने ताकतवर है, बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर कैसे में बैठे ला में आई तक मैं इस तरह राय ला में मत तो अभी देखिए बिस्तर वाला भी आ चुका है, जो हमने दिवाली के पहले जो है बिस्तर बनवाने के लिए दिए थे, जो हमें बड़ा गाड़ला बनाया था वो आ चुका था, लेकिन बिस्तर जो है वो बाकी रह गए थे, तो उन्होंने अभी बनाए हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगा दिया उन लोगों ने, तो अभी ये बन के आ चुके हैं। हमने यहाँ पर 3 बिस्तर का ऑर्डर दिया था, तीनों बिस्तर बन के आ चुके हैं। बिस्तर जो है वो काफ़ी हैवी हैं, एक बिस्तर जो है वो करीब 7 किलो का है, और देखिए काफ़ी सारा रुई जो है वो बच गई थी, क्योंकि हमने इसके अंदर नई रुई डलवाई है, और जो पुरानी रुई थी वो हमने जो है साइड में रखवा दी है, उसकी पिल्लो बनवा देंगे। और अभी देखिए बन रही है चाय, सर्दी का मौसम हो रहा है, और बिस्तर के ऊपर जो भी जो छोटे बड़े जो रुई के टुकड़े वो चिपक जाते हैं वो अभी मित्तल और उसके पापा साफ कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ, चाय बन चुकी है। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए हमारे साथ में। तो चाय वगैरह पीने के बाद जो है अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज बन रहा है गाजर का हलवा, तो ये फर्स्ट हमारा गाजर का हलवा बन रहा है, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही शानदार सी इसका जो है मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी, झटपट आपका गाजर का हलवा बन के रेडी हो जाएगा। आज जो हम गाजर का हलवा बना रहे हैं इसके अंदर हम ना तो घी का यूज़ करेंगे, ना ही दूध का यूज़ करेंगे, और ना ही हम इसके अंदर मावा डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी 1 किलो गाजर ले ली हैं। गाजर आप अच्छी ले, मीठी ले, रेड कलर की गाजर ले के ले तो हलवा आपका काफ़ी अच्छा बनेगा। गाजर लेने के बाद मैंने अच्छे से इसको धो लिया था, और धोने के बाद इसका छिलका निकाल लिया है। छिलका निकालने के बाद इस तरह से हम इसको, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसी के अंदर गाजर को हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए मैंने यहाँ पर बड़े ग्रेटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको बारीक भी कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन बड़े ग्रेटर से क्रश करने से हलवा हमारा बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो सारे गाजर को हम यहाँ पर इसी तरह से कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। कुछ लोग गाजर का हलवा खाना चाहते हैं लेकिन उनको घी खाने की डॉक्टर ने मना की हुई होती हैं, तो वो भी एक बार इस तरह से हलवे को ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बड़ा बड़ा जो है पूरे गाजर को कद्दूकस कर लिया है। तो अभी हम इस कढ़ाई को सीधे गैस के ऊपर रखेंगे, और लगातार कंटिन्यू चलाते हुए इसको इसी तरह से अच्छे से 5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सोख कर ले, क्योंकि गैस की फ्लेम हमारे यहाँ पर मीडियम रहेगी। अभी तक हमने इसके अंदर दूध घी कुछ भी नहीं डाला है, बिना दूध घी के आज हम ये गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो गैस की फ्लेम को हाई पर ना रखें, और इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए पकाएं। तो ये देखिए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं गाजर जो है हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये फ्रेश दूध की मलई है, तो करीब 2 लीटर दूध की मलई फ्रेंड। तो ये इसको कप से नापेंगे तो पूरे 1 कप यहाँ पर ये दूध की मलई है। इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो दूध की मलई जब भी यूज़ करें तो फ्रेश मलई का ही यूज़ करें, या 1 से 2 दिन की पुरानी मलई आपकी चल जाएगी, इससे ज़्यादा पुरानी मलाई का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। तो इस तरह से सारी मलाई को कर देंगे अच्छे से मिक्स। मलाई डालने से ये दूध मावे और सारे घी सभी का काम कर देता है, तो इस तरह से जो है हलवा हमारा टेस्ट भी बनेगा। इसे हम करीब मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए लगातार मुझे पकाते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, और हल्का सा जो मलाई का जो घी होता है वो इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पर डालेंगे चीनी। तो 1 किलो हमारे यहाँ पर गाजर हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ले ली है, 1 कटोरी मैंने यहाँ पर डाली है। कप से नापेंगे तो ये 1 कप चीनी है। तो चीनी को डालने के बाद सारे चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो जैसे जैसे हम गाजर को अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं, चीनी जो है अपना पानी छोड़ते जा रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है हमें गाजर को लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर चीनी का पूरा पानी जो है अच्छे से सोख होने तक इसको अच्छे से पकाना है। तो इसमें करीब जो है 5 से 7 मिनट का टाइम आराम से लग जाएगा। आज ये गाजर का हलवा जो है हम अच्छे से जूसी बना रहे हैं, तो थोड़ी सी मैंने चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। तो ये देखिए लगातार 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और गाजर का आप कलर देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आया है, एकदम रेड कलर बना है जो हमने गाजर का कलर लिया था, और जिससे थोड़ी सी हमने चीनी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा रखी है, उसी से जो है गाजर का कलर बहुत ही प्यारा आया है,
बहुत ही जूसी रसीला हलवा जो है हमारा यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है। बिना दूध मावे और घी के ये आज हमने हलवा बनाकर तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी देखिए, इस समय आप जो है अगर इलायची का पाउडर इसके अंदर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज जो है बिना इलायची पाउडर के बना रही हूँ। मुझे पर्सनली जो इसी तरह से गाजर का हलवा पसंद है। गाजर की जो खुशबू है बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है फ्रेंड्स हलवे में से। तो हलवा जो है हमारा यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और हलवे को जो है हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गाजर का हलवा जो है वो बन के रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म गाजर का हलवा। इसे आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। रसीला जूसी गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्ट बनाए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कलर से ही आपको पता चल गया होगा कितना टेस्टी हमारा गाजर का हलवा बन के रेडी हुआ है। ऊपर से मैं थोड़े से डाल दूँगी काजू के कटे हुए टुकड़े, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, स्किप भी कर सकते हैं। इससे गाजर का हलवा हमारे दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड, आप कब ट्राई कर रहे हैं इस तरह का हलवा, तो सर्दियों में इस तरह का गाजर का हलवा गर्मा गर्म बनाकर सबको ज़रूर खिलाएं। बच्चे हुए या बड़े, सभी को ये गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इससे पहले भी मैंने 2-3 गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर की हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो ज़रूर चेक कीजिए। आप इस गाजर के हलवे को 1 हफ्ते तक बाहर कर रख कर भी खा सकते हैं और फ्रिज में आप इसको 15 दिन स्टोर करके भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड, आप ही एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो मैंने जब इस तरह से गाजर के हलवे को ट्राई किया था फ्रेंड, तो आप सच यकीन मानिए मेरे घर में जो है सभी लोग चट कर गए थे। मुझे भी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है। तो हम लोग जो है इसको कर रहे हैं एंजॉय, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मित्र को तो ये हलवा जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अभी जो है रात के 12 बजे का टाइम हो रहा है और अभी जो है मित्तल और उसके पापा सो गए हैं, तो मैं अभी थोड़ी सी धीमी आवाज़ में बात कर रही हूँ। तो अभी देखिए, जस्ट मैंने अभी जो है वो मित्तल के स्कूल के कंपटीशन के लिए बनाया है ये क्रिसमस ट्री। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही मुझे तो प्यारा लग रहा है, ज़्यादा नहीं आता है मुझे, पहली बार मैंने जो है वो ट्राई किया है। और देखिए आप, कितना कबाड़ा देखिए आप यहाँ पर हो चुका है। खूब सारा मैंने यहाँ पर कैची पेपर सारा सामान जो है वो उथल पुथल हो चुका है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, सर में दर्द भी होने लगा है। तो अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ और सुबह जो है वो सारा काम करेंगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सारा जो है यहाँ पर पेपर वगैरह जो है वो बिखर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर कबाड़ा हो चुका है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ सोने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा खुला पड़ा था, अब तो देखिए दरवाज़ा खुला ही पड़ा था। तो सबसे पहले दरवाज़े को कर देते हैं बंद, उसके बाद में देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना देखिए ये सारा, आप देख सकते हैं कितना कचरा जो है मैंने यहाँ पर कर दिया है। और वो मैंने अभी जो है क्रिसमस ट्री जो है, और ये देखिए ये अभी क्रिसमस ट्री जो है वो मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं। सुबह तक वो जो है सूख जाएगा और तब तक देखिए सारा जो कचरा है वो मैं अभी मैंने नहीं करने वाली फ्रेंड। अभी जो है सारा काम करेंगे हम सुबह, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। तभी सोने के लिए जा रही हूँ मैं।